नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आपका टीचर अरियंत। ये उम्मीद कर रहा हूँ हर बार की तरह की आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो फ्री क्लासेस है उसमें चैप्टर फोर, एक और चैप्टर मैं लेकर आ गया हूँ, अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर फोर सिलेबस का, जो कि है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। दोस्तों 50 मिनट्स का ये वीडियो रहेगा, उसमें आपको पूरा चैप्टर एंड टू एंड विद कॉन्सेप्ट्स विद ऑल द टॉपिक्स कवर्ड समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको चैप्टर फोर को वापस टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने अच्छे से विद एग्जाम्पल समझने वाले हैं। दोस्तों प्लीज अभी के अभी लाइक बटन हिट कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, एंड ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स के क्लासेस भी फ्री चल रहे हैं, उनको फॉलो करना मत भूलिएगा। क्विकली हम अपना स्क्रीन चेंज करेंगे, जहां पर कि मैं जो मटेरियल का टेक्स्ट है वो आएगा, एंड मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा विद इन 50 मिनट्स। वॉच द फुल वीडियो, डू नॉट मिस इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो दोस्तों, ये हो गई है मेरी स्क्रीन फ्लिप, और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फोर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जो कि है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। दोस्तों अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद है अपना, तो हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेटजीज होते हैं वो तीन लेवल पे जनरली बनते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, एक होता है बिजनेस या डिविजनल लेवल, और एक होता है फंक्शनल लेवल। तो अगर आपको याद होगा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज वो होती है जो कि टॉप पे डिफाइन होती है, जो कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली चेंज करने का स्कोप रखती है, जैसे कि आपके एक्विजिशंस, मर्जर्स, एक्सपेंशंस, डाइवर्सिफिकेशन, रिट्रेंचमेंट, या फिर नैरोइंग डाउन, कुछ बिजनेस बेचना है, कुछ बिजनेस खरीदना है, वो सब कॉर्पोरेट लेवल पे जो सीईओ सीएफओ डायरेक्टर्स बोर्ड है वो सब डिसाइड करते हैं मिलकर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। तो इस चैप्टर में हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज एज एन एंटायर टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या उसका इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्यों वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं लोग, कब अप्लाई करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो जस्ट अगर ये ओवरव्यू एक बार मैं आपको पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये ओवरव्यू, एक स्नैपशॉट में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, बट वंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों, स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। जैसा कि मैंने कहा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब क्या क्या टाइप ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज है वो हम देखेंगे। विलियम एफ ग्लूक एंड लॉरेंस आर जॉज, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं लेकिन यही इनके नाम है, डिस्कस फोर जेनरिक स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। तो ये चार स्ट्रेटजीज की स्ट्रेटजीज है कॉर्पोरेट लेवल की, जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। दीज स्ट्रेटजीज हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड एज ग्रैंड स्ट्रेटजीज और डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बाय मेनी ऑथर्स। दोस्तों ये याद रखना कि जो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड स्ट्रेटजीज और डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछे जा सकता है कि वॉट आर डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, वॉट आर ग्रैंड स्ट्रेटजीज, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो एमसीक्यूज भी आएंगे, ट्रू ऑर फॉल्स भी आते हैं, उसके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम नीचे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो लेवल है कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, ये तीन क्लियर है। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, स्टेजेस क्या होते हैं बिजनेस साइकिल के, स्टेज होता है पहले एंट्री, उसके बाद आता है आपका ग्रोथ स्टेज, उसके बाद आता है मेच्योरिटी, उसके बाद आता है डिक्लाइन स्टेज। तो ये जनरली एक बिजनेस साइकिल है, आपने पढ़ा होगा सीपीटी के टाइम पर भी, और अपने 11th 12th में भी जो इकोनॉमिक्स के सिलेबस होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ बिजनेस। एंट्री स्टेज जो होता है वहां पर जनरली क्या स्ट्रेटजी होती है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी होती है। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब आपको मार्केट के अंदर एंट्री करनी है, ग्रैंड एंट्री। हम पूरा नीचे पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, लेकिन अभी ब्रीफ बता रहा हूं आपको। सेकेंड होता है ग्रोथ स्ट्रेटजी, अब मैंने एंट्री तो कर ली, अब ग्रो करना है। थर्ड होता है मेच्योरिटी स्ट्रेटजी, मेच्योर हो गया, ग्रो हो गया, मैं अभी टॉप पे हूं तो टॉप पे स्टेबल रहना है, जितना लंबा स्टेबल रह सकता उतना लंबा स्टेबल रहना है। उसके बाद आता है डिक्लाइन आपका, डिक्लाइन में क्या स्ट्रेटजी होती है, डिक्लाइन में ये स्ट्रेटजी होती है कि जो अब मेरा प्रोडक्ट धीरे धीरे या मेरा बिजनेस धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी मैं उसको वापस से रिवाइव कैसे करूं, वापस से मैं उसको ऊपर कैसे लेके जाऊं, दैट हैपेंस इन योर डिक्लाइन स्टेज एंड डिक्लाइन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन, फोकस। कोलैबोरेशन स्ट्रेटजीज में क्या होता है, जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, स्ट्रेटजिक अलायंस, ये सब होती है कॉम्पिटिशन लेवल पे स्ट्रेटजीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। अभी ये तो सिर्फ एक लिखने के लिए है कि एंट्री पे मार्केट पेनिट्रेशन, ग्रोथ पे ग्रोथ एक्सपेंशन, मेच्योरिटी पे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, डिक्लाइन पे रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही स्ट्रेटजीज अप्लाई करने पड़ेंगे। यू कैन इंटरचेंज स्ट्रेटजीज, यू कैन मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, आपका नेचर क्या है बिजनेस का,
आप कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आपके कंपटीशन कैसा है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज है, काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं. यू कैन ऑलवेज चेंज योर स्ट्रेटेजीज. अभी यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, रियलिटी बाइट क्यों बोला है मुझे पता नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल है पतंजलि आयुर्वेद अडॉप्टेड मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी. आप पतंजलि को छोड़ दो, सबसे अच्छा मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी रिसेंट टाइम्स में था रिलायंस जियो का. उसने क्या किया, 9 महीने 10 महीने फ्री ये ले लो, क्या ले लो, फ्री मोबाइल ले लो इंटरनेट के साथ, 4G इंटरनेट, इंडिया का फास्टेस्ट इंटरनेट एकदम फ्री दे रहा है वो. लोग अपने आप फ्री की चीज, वो भी बेस्ट ऑफ सर्विस, सबने सिम ले लिया. आज उसका सब्सक्राइबर बेस ऑटोमेटिकली इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट, 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स विद इन 2 और 3 ईयर्स. दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड. किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना रिलायंस का हुआ है. टुडे इट इज द बिगेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट इन इंडियन कंट्री, अपना जो देश है. इंटरनेट यूसेज जो है सबसे ज्यादा रिलायंस का होता है आज की तारीख में, रिलायंस जियो का. तो आप सोच सकते हो जो कंपनीज एयरटेल आइडिया वोडाफोन जो इतने 20 20 सालों से हैं, वो सब अपना स्ट्रेटेजीज बना के थक गए. यहाँ पर एक मार्केट का नया एंट्रेंट आता है, घुसता है, पूरा मार्केट शैटर कर देता है. दैट इज योर मार्केट पेनिट्रेशन, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के मजे की बात क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज आर ऑलवेज मेंट टू बी गिविंग डायरेक्शन टू द कंपनी. चैप्टर वन में भी हमने ये पढ़ा है कि जो डायरेक्शन होता है, जो सीईओ सीएफओ को डायरेक्शन देना पड़ता है, दे गिव डायरेक्शन टू द कंपनी फ्रॉम योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज. उनको बना के, वो पॉलिसीज बना के आप उनको डायरेक्शन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज. बेसिकली इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच कि मैं ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा. अब उस स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए आप बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस स्ट्रैटेजी को रोज के रोज चलाने के लिए आप फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज बनाओगे. तो पहले आता है फंक्शनल, फिर आता है बिजनेस, फिर आता है आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज इन द ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. की नीचे से ऊपर में उसको ड्राइव करना है, ऊपर किसी ने बता दिया कि भाई तुमको जाके ये करना है, लेकिन कैसे करोगे आप वो नीचे वाले ऊपर से बताएं, नीचे से ऊपर आएगा कि भाई ये छोटा पॉलिसी है, उसके ऊपर ये बड़ा पॉलिसी है, उसके ऊपर ये टोटल फ्रेमवर्क है. दैट इज बेसिकली योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का फंक्शनिंग. द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज अ फर्म कैन अडॉप्ट मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेचमेंट एंड कॉम्बिनेशन. तो अभी हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं चारों स्ट्रेटजीज के, नीचे बहुत पूरा चैप्टर ही इनके ऊपर बेस्ड है. तो हम डायरेक्टली नीचे चलते हैं और पढ़ते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप बाकी बाद में पढ़ लो, आराम से पढ़ सकते हो, आप समझ जाओगे. अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं या आपके फैमिली में कोई भी बिजनेस करता है, मिड साइज मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, उनको जाके पूछिए कि पापा अपन एक्सपैंड क्यों नहीं करते. चलो एक्सपैंड करते हैं, नया बिजनेस चालू करते हैं, जो बिजनेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेट्स स्टार्ट एक्सपैंडिंग आवर बिजनेस. पापा क्या बोलेंगे, बेटा जितनी अपनी जरूरतें हैं उतना पूरा हो रहा है, तुमको खाना मिल रहा है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो रही है, घर चल रहा है, घूम के आ रहे हैं, आराम से सब कुछ जिंदगी चल रही है, फिर क्यों एक्सपैंड करना है भाई, स्टेबल रहना है अपने को. मैं साल के 50 लाख 20 लाख 10 लाख 40 लाख जो भी कमा रहा हूं वो मुझे बस है, मुझे इससे ज्यादा झंझट लेना ही नहीं है, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ. तो मुझे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी चाहिए. तो दैट मीन्स इट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डज नॉट मीन कि आपके पापा कुछ नहीं कर रहे, जी नहीं, उस बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं, विच इज इटसेल्फ अ वेरी बिग चैलेंज. वो आपके पापा बोल रहे हैं कि बेटा मैं स्टेबल मेंटेन कर रहा हूँ वो मेरे लिए काफी है, मैं एक्सपैंड में कोई शौक नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन जब करूंगा तो नए रिसोर्सेस, रिस्क, पैसा सब कुछ लगाना पड़ेगा, वो मुझ में कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, अभी ताकत भी नहीं है, मैंने बिजनेस सेट कर दिया है, अभी वो स्टेबल है, बाद में तुमको जो करना है वो कर लेना. जनरली अगर आप देखोगे मिडिल क्लास बिजनेस फैमिलीज जो रहती है उनकी मेंटेलिटी यही रहती है. मेरे फैमिलीज में भी काफी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने अपने कंपनी को या हमने अपने जो शॉप है या जो बिजनेस है उसको एक ऐसे पोजिशन पे ला दिया है कि वो हर साल थोड़ा मेंटेनेंस करूंगा मैं तो रेवेन्यू तो जनरेट कर ही देगा, मेरे लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेगा इतना कि हम आराम से रह सके, बस उससे ज्यादा एक्सपेंशन मुझे नहीं करना. सेम है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी ना. यहाँ पर तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि क्यों स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लोग अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज उनको नहीं एक्सपेंड करना, भाई फैमिली इज हैप्पी, छोटा सा बिजनेस चल रहा है. बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप बोलोगे सर अभी रिलायंस है, रिलायंस तो बहुत बड़ा कंपनी है, उसको अगर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगानी पड़े तो फिर क्या मतलब है, दे शुड ऑलवेज बी एक्सपेंडिंग एज अ ग्रुप. यस दे विल बी एक्सपेंडिंग, बट देन देर विल बी बिजनेसेस इन द ग्रुप विच विल बी स्टेबल. जैसे उनका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, दैट बिजनेस इज स्टेबल. अभी उनको उस पेट्रोकेमिकल बिजनेस में कुछ एक्सपैंड नहीं करना कि भाई हम और बड़ा करते हैं, ये सब नहीं करते हैं, जी नहीं,
दैट इज ऑलरेडी एट अ मेच्योर लेवल, अभी उसको हम स्टेबल रखेंगे. यस सम अदर बिजनेसेस लाइक रिलायंस जियो टेलीकॉम बिजनेस, दे विल गो फॉर एक्सपेंशन, दे विल गो फॉर सम स्ट्रेटेजीज, लेकिन जो उनका ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है उसको वो स्टेबल रखेंगे. ठीक है. अ स्टेबिलिटी इज परस्यूड बाई फर्म वेन इट कंटिन्यूज टू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट. डिसीजंस फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस. बेसिकली ये दो मेन रीजंस है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि हम स्टेबल स्ट्रेटजी करेंगे. अभी मेरा लिमिटेड मार्केट है, ठीक है, मुझे इसी मार्केट में ऑपरेट करना है, मुझे एक्सपैंड नहीं करना. दो कारण हो सकते हैं एक्सपैंड नहीं करने के, कि कहीं और मार्केट है ही नहीं, या फिर अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है एक्सपैंड करने में. अभी सिंपल इंडिया को एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, अभी सर्दी के कपड़े हैं, उनका मार्केट किधर है? उनका मार्केट है नॉर्थ के 4-5 स्टेट्स में मेजर मार्केट. साउथ में कौन एक्सपैंड करेगा? वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. साउथ में अगर आप इतने मोटे मोटे जैकेट्स लेकर आओगे कोई भी नहीं पहनने वाला, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है. जो ठंड पड़ती है वो नॉर्थ में पड़ती है या फिर ईस्ट में पड़ती है. तो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है. अब जो स्वेटर मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं ये 5 स्टेट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ही काम करूंगा, मैं एक्सपैंड और है ही नहीं मेरे पास मार्केट एक्सपैंड करने को. या फिर जो मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूं उसी काम में मुझे बेस्ट बनना है, नया काम लेके एक्सपैंड करके झंझट पाल के मुझे कुछ नहीं मिलना, जो काम करेंटली कर रहा हूं वो अच्छे से कर लू. इसका ये मतलब नहीं होता, जैसे मैंने अभी कहा, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटजी. ये स्टेटमेंट याद रखिए दोस्तों. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, अभी भी मेहनत बहुत लगती है टू स्ट्रेटजाइज एंड टू बी एबल टू बी स्टेबल इन अ मार्केट. Itself is a very big deal. It is not a do nothing. यानी कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो stable रहूंगा. जी नहीं, आपको उसके लिए भी stable रहने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब आप जाके stable रहोगे. ये generally उन organizations में होता है जहां पर उनका जो product है वो maturity level पे reach कर चुका है. Characteristics of stability strategy. A firm opting for stability strategy stays with the same business, maintaining same level of effort as at present. Endeavor is to enhance functional efficiencies in an incremental way. यानी कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ currently, उसको और refined, और अच्छे, और cost productive, और cost effective method से कैसे करता हूँ, वो उनका aim रहेगा. Does not involve a redefinition of business of the corporation. कुछ भी change नहीं करना है. Basically, a safety oriented, status quo oriented strategy. जैसे मैंने आपको कहा, आपके पापा बोलेंगे भाई मैं अभी सेफ चल रहा हूं, मैं अभी रिलैक्स हूं, मेरे को कुछ भी कीड़े नहीं करने, कुछ भी पोक नहीं करना, कुछ भी अननेसेसरी काम नहीं करना है. डज नॉट वॉरंट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, छोटे मोटे माइनर इंप्रूवमेंट, रिस्क इज ऑल्सो लेस. बेसिकली वो है कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरली आपके स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के. मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी: प्रोडक्ट हैज रीच मेजोरिटी स्टेज, इट इज लेस रिस्की, द एनवायरमेंट फेस इज रिलेटिवली स्टेबल. यानी कि कुछ खास हो नहीं रहा, जो चल रहा है वो चल रहा है, आपको पता है कोई बड़ा कॉम्पिटिशन आने वाला नहीं है, या फिर इतना कॉम्पिटिशन ऑलरेडी हो गया कि मार्केट सैचुरेटेड है, अभी बस जो 50 लोग हैं या 10 लोग हैं या 20 लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं बस उतने ही करेंगे, एक छूटेगा एक आएगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला. जो एनवायरमेंट है उसमें आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा, दिस इज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट दैट विल गो ऑन सेलिंग, यू आर रिलैक्स्ड, आप जिंदगी चला रहे हो. एक्सपेंशन में भी परसीव्ड एज बीइंग थ्रेटनिंग. कई कई जगह ये भी होता है कि अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो गड़बड़ हो सकती है. थ्रेटनिंग मतलब इट कैन बी थ्रेटनिंग इन मल्टीपल वेज, एज इन एम्प्लॉयज को लगेगा अरे एक्सपैंड कर रहे हैं यानी कि हमारी जॉब खतरे में हो सकता है, हमें बोलेंगे तो एक्सपेंशन हो रहा है तो तुम और कहीं शिफ्ट हो जाओ, या फिर एक्सपेंशन हो रहा है तो इस बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस चलाएंगे. ऑल दोस थिंग्स विल कम इन माइंड. एंड प्लस एक्सपेंशन कैन बी वेरी रिस्की, हो सकता है कि आपका एक्सपेंशन सक्सेसफुल ना हो और आपका जो अच्छा खासा बिजनेस था वो भी बंद हो जाए, इसलिए एक्सपेंशन नहीं करते, स्टेबिलिटी रखते हैं. दैट इज योर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट आता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी. जो नाम बोलता है इट इज वेरी सिंपल, मुझे एक्सपैंड करना. इट इज फुल ऑफ डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस. पॉपुलर स्ट्रेटेजी आपको सक्सेस के लिए है कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए, अगर मुझे बड़ा बनना है, अगर मुझे बहुत अपना एक्सपैंड करना है बिजनेस, तो मैं ग्रोथ या फिर अपना जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेशन. बैठे बैठे ग्रोथ नहीं होती. अगर मैं एक मोबाइल फोन बेच रहा हूं और 5 मोबाइल फोन बेचने लगूं सेम मोबाइल फोन, उसको ग्रोथ नहीं बोलते. ग्रोथ इज व्हेन योर बिजनेस एज अ होल इज चेंजिंग कंप्लीटली. उसको काफी आप एक्सपैंड कर रहे हो इन डिफरेंट होराइजन्स. इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ योर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ. ठीक है. हाई वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी, इट ऑफर्स सेवरल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रोथ. यानी कि आप अगर आपको ग्रो करना है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. देखो, अगर आपका समझ लो अभी बिजनेस है से लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का, चलो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हो या आप लैपटॉप ट्रेडिंग करते हो,
ये आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि मैं लैपटॉप लेनोवो से खरीदता हूँ और मार्केट में बेचता हूँ, 10% 20% मुझे जो है अपना प्रॉफिट मिल जाता है। अब आप बोल रहे हो मुझे ग्रो करना है, तो आप ग्रो कैसे करोगे? हो सकता है आप लेनोवो के साथ साथ और किसी ब्रांड का भी आप डीलरशिप ले लोगे, या फिर हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लैपटॉप तो मैं बेच ही रहा हूँ, एक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल भी बेचने लगता हूँ, या लैपटॉप बेच रहा हूँ तो साथ में उसके स्पेयर पार्ट भी बेचने लगता हूँ। ऐसा कुछ आप काम करोगे जिसमें आपका बिजनेस मॉडल जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा रीडिफाइन हो रहा है, थोड़ा ग्रो हो रहा है। अगर आपकी मर्जी है तो हो सकता है कि लैपटॉप एक चल ही रहा है, मैं कंप्लीटली डिफरेंट आइटम बेचना चालू करता हूँ एक और। ये भी बहुत हो सकता है कि आप लैपटॉप के साथ रेफ्रिजरेटर बेच रहे हो, दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, बट यू हैव एक्सपेंडेड योर बिजनेस। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बिजनेस के नीचे, अभी रिलायंस का ही ले लो, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नीचे पेट्रोकेमिकल है, रिलायंस ज्वेल्स है, रिलायंस फुटवेयर है, रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस जियो है। इन पांचों बिजनेस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन कंपनी एक्सपेंड कर रही है अलग अलग एरियाज में। दैट इज योर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। मेजर रीजंस, इट मे बिकम इंपेरेटिव व्हेन एनवायरमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी। कभी कभी क्या होता है, यू आर सो ओवरवेल्म्ड विद अ प्रोडक्ट। अभी अभी जैसे मैं अगर बोलूं अपना मोबाइल फोन्स का, आप देख लो मोबाइल फोन का इंडिया में ऑल ऑफ अ सडन इतना डिमांड हो गया है। सडनली लास्ट 5-7 साल में जो डिमांड हुआ है मोबाइल फोन्स का, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन इज हैविंग अ मोबाइल फोन अभी। तो यानी कि एनवायरमेंट इज कॉलिंग, एनवायरमेंट जो है वो बोल रहा है कि भाई मुझे और सप्लाई चाहिए, सप्लाई करो सप्लाई करो। उसमें आप क्यों एक्सपेंड नहीं करोगे अपना बिजनेस? यू विल बी अ फूल नॉट टू एक्सपेंड इन सच अ सिनारियो। आप क्या करोगे, अच्छा मोबाइल फोन तो बिक रहे हैं, अच्छे और मोबाइल फोन बनाओ और डीलरशिप ले लो। अभी तक तो मैं सिर्फ नोकिया का बेच रहा था, अभी हो सकता है नोकिया डाउन है, तो कौन सा अच्छा चल रहा है? सैमसंग अच्छा चल रहा है, एप्पल अच्छा चल रहा है, एंड्रॉइड अच्छा चल रहा है, एक्स वाई जेड जो भी अच्छा चल रहा है, चलो ये मोबाइल भी हम ब्रांड बेचने लगेंगे। सो योर एनवायरमेंट इज डिमांडिंग, एनवायरमेंट बोल रहा है कि हमें डिमांड है, आप सप्लाई तो करो ना यार, वी आर रेडी टू पे, एज सिंपल एज दैट। आप फिर क्या करोगे, आप एक्सपैंड करने लगोगे। आपको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, आपका स्कोप है एक्सपैंड करने का। एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप एक्सपैंड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कटिंग डाउन ऑन सम कॉम्पिटिशन, यू आर बिकमिंग बिगर। अभी रिलायंस का वापस एग्जाम्पल लेते हैं, जियो का। वॉट इट इज डूइंग इज इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एक्सपेंडिंग इट सर्विसेस। पहले जियो सेलुलर सर्विस निकाला, टेलीकॉम, अब जियो फोन भी आ गया। उस जियो फोन के अंदर आपको जियो ऐप भी है जिसमें कि आप टीवी भी देख सकते हो, उसमें आप मूवीज भी देख सकते हो, उसमें आप कुछ शोज भी देख सकते हो। वॉट इज जियो डूइंग? इट इज एक्सपेंडिंग इन टू अंडर वन बकेट, इट इज एक्सपेंडिंग इन टू सेवरल एरियाज। यानी कि नाउ जियो इज अ कॉम्पिटिशन टू एमेजॉन प्राइम, जियो इज अ कॉम्पिटिशन टू हॉटस्टार, जियो इज अ कॉम्पिटिशन टू नेटफ्लिक्स, जियो इज अ कॉम्पिटिशन टू योर टेलीविजन चैनल्स, जियो इज कॉम्पिटिशन टू योर मोबाइल फोन कैरियर्स, जियो इज अ कॉम्पिटिशन टू योर हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स। भाई साहब, एक कंपनी है जो सब कुछ कर रही है आपके, एंड ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत अलग अलग सेटअप करना पड़ रहा है उसको, एक ही सेटअप के अंदर ये सब कुछ कर रही है। वो फोन बनाया है, सिम कार्ड बनाया है, इन दो चीजों के अंदर ये सब कुछ वो अपने अपने बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। इट इज नाउ, व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज नाउ हैविंग अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। वो बोल रहा है कि भाई एयरटेल वाला तो आपको सिर्फ टेलीकॉम देगा ना, मैं आपको मूवीज भी दे रहा हूँ साथ में, मैं आपको फ्री टीवी भी दे रहा हूँ साथ में, एंड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो रिचार्ज करवाते हैं उसमें सब कुछ मिल रहा है आपको। यू हैव एक्सपैंडेड इन टू एन एरिया एंड यू हैव गेन्ड कंट्रोल ओवर द मार्केट वीज़ अवी कॉम्पिटिटर्स। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ये। टाइप्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अभी मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा? बैठे बैठे जैसे मैंने कहा कि चलो 100, आज तक एक मोबाइल बेच रहा था, 5 बेचने लगा हूं तो मैं एक्सपेंड हो गया, वैसा नहीं होता। कैसा होता है एक्सपेंशन? थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि मैं नया प्रोडक्ट लाइन, नया सर्विस चालू करूंगा। वन सेकेंड, चलो रिलायंस का एग्जाम्पल छोड़ते हैं, ये बार लेते हैं टाटा का एग्जाम्पल, टाटा का एग्जाम्पल भी छोड़ते हैं, ये बार लेते हैं अपना बिरला ग्रुप, जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसका एग्जाम्पल। आदित्य बिरला ग्रुप का क्या है, जो आइडिया सेलुलर फोन है वो भी उसका है। अभी जो कपड़े देखते हो काफी सारे, लुई फिलिप, वैन ह्यूजन, ये 3-4 ब्रांड्स है, एलन सॉली, नॉट वैन ह्यूजन, में भी एलन सॉली, लुई फिलिप, ये सब भी उसके हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है आदित्य बिरला, आदित्य बिरला सीमेंट है, कितने ही प्रोडक्ट्स हैं अलग 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 टाइप के जो कि आदित्य बिरला के बकेट के अंदर आते हैं। या फिर आईटीसी का एग्जाम्पल ले लो, आईटीसी सिगरेट्स हैं, आईटीसी होटल्स हैं, आईटीसी आपके एफएमसीजी गुड्स हैं जो बिस्किट्स, बुक्स, या फिर आपका चॉकलेट्स, ये सब सब कुछ है। तो अगेन इट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंडेड बिजनेस, उसमें काफी सारी चीजें हैं उनके पास, आईटीसी के पास एज अ होल। दैट इज वाई दे हैव बीन एबल टू एक्सपैंड इन द मार्केट। ठीक है।
तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सपेंशन और कैसे कैसे हो सकता है। सो एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी कैन इधर भी थ्रू इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन क्या होता है? जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो उसको और इंटेंसिफाई करोगे और ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, उससे यू स्टार्ट एक्सपेंडिंग। तो इंटेंसिफिकेशन अगर आपको करना है, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन, एक ग्रिड बना हुआ है यहाँ पर, आप क्विकली देख लीजिए, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटेंसिफिकेशन एक्चुअली कैसे कैसे हो सकता है। जो ऊपर ग्रिड था उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दिस इज समथिंग विच आई एक्सप्लेन यू सो दैट यू अंडरस्टैंड क्लियरली। इंटेंसिफिकेशन का फर्स्ट हो गया मार्केट पेनेट्रेशन। मार्केट पेनेट्रेशन कैसा? जैसे मैंने बताया, आप सीधा ट्राई करोगे एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है अंदर घुसने की, जो करंट मार्केट है। यू विल हैव टू ट्राई टू मेक वे एंड एंटर। कैसे मेक वे एंड एंटर करोगे? कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाओगे, या फिर कोई प्राइसिंग ऐसा करोगे जो सीधा यू नो पीपल आर फोर्स्ड टू बाय योर प्रोडक्ट ओनली, कॉम्पिटिटर्स के नॉट सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर प्राइसिंग कॉम्पिटिशन। दैट इज मार्केट पेनेट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट क्या है? मार्केट डेवलपमेंट में आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि कस्टमर की नीड क्या है, आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है, एंड वो प्रोडक्ट कस्टमर की और बाकी जो नीड्स है कैसे मीट कर सकता है। एक ही प्रोडक्ट काफी सारी अगर नीड्स मीट करेगा तो ऑब्वियसली पीपल विल बी प्रेफरिंग टू बाय योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। थर्ड होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप कैसे करोगे अपना जो एक्सपेंशन है? आप डेवलप करोगे ऐसा प्रोडक्ट बाय मॉडिफाइंग दी होल बेसिस ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कुछ नए फीचर्स के साथ, कुछ नए फैंसी आइटम्स के साथ, या कुछ चीजें ऐसी जो लोगों को चाहिए, जो पसंद है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर होगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप इंटेंसिफिकेशन कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन, अभी क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन? ये है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो बिजनेस है, और बिजनेसेस ले रहे हो। इट कैन बी इन द सिमिलर लाइन और इट कैन बी इन द डिफरेंट अनरिलेटेड बिजनेस लाइंस। जैसे कि आप अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हो। वंस अगेन, इफ आई हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ आईटीसी, रिलायंस, आदित्य बिरला, टाटा, ये पांच छह कंपनीज है जो परफेक्ट एग्जाम्पल बैठती है ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन में, क्योंकि इन्होंने सब कुछ करके रखा है। डाइवर्सिफिकेशन भी आप रिलेटेड बिजनेस भी देखोगे, अनरिलेटेड बिजनेस में भी देखोगे इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। डाइवर्सिफिकेशन जो एंडेवर्स होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं काफी सारे एग्जाम्स में। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इधर इंडिविजुअली और एज अ होल। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों हम समझते हैं कि ईच ऑफ दीज टॉपिक्स मीनिंग क्या होते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो सेम प्रोसेस कर रही है, सेम सीक्वेंस कर रही है। अभी समझ लो, आई एम क्या बोलते हैं, इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स। अभी प्रोसेस क्या होगा कि मैं मोबाइल फोन्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो या तो खुद बनाऊंगा या किसी से बाहर से मंगवाऊंगा, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। जैसे स्क्रीन है, अभी जो एप्पल का स्क्रीन है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग। दुनिया के आधे मोबाइल्स का स्क्रीन जो है इधर मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग होता है या फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय एलजी होता है। अभी दिस इज माई करंट बिजनेस मॉडल। अगर मुझे वर्टिकली डाइवर्सिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ सैमसंग सेलिंग मी दी स्क्रीन, मैं खुद ही बना लेता हूं। ठीक है, तो यानी कि इसमें हुआ क्या, मेरा प्रोडक्ट सेम है, मेरा प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे मोबाइल फोन ही रहेगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल था वो भी बनाना चालू कर दिया। तो मैंने अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर दिया, अपना जो पोर्टफोलियो था डाइवर्सिफाई कर दिया वर्टिकली इंटीग्रेटेड करके। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इसको बोलते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिवर्सिफिकेशन में दो टाइप्स होते हैं, एक है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया कि जो स्क्रीन है, अगर एप्पल बोलता है मैं सैमसंग से स्क्रीन्स नहीं लेके खुद ही अपना स्क्रीन्स बनाने लगता हूं, दैट इज बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि जो मेरा फाइनल कंपोनेंट है मोबाइल फोन, उसका एक स्टेप पीछे जा रहा हूं मैं, उसका एक स्टेप पीछे है उसका रॉ मटेरियल, उसके कंपोनेंट्स बनाने लग रहा हूं मैं, दैट इज माय बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आई हैव एक्सपेंडेड और आई हैव डाइवर्सिफाइड माय बिजनेस इनटू समथिंग व्हिच इज रिजल्टिंग इन अ फाइनल प्रोडक्ट, इन माय फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या, अभी समझ लो मैं हूं एक सेम एग्जांपल लेता हूं, मैं हूं स्क्रीन मैन्युफैक्चरर, कि मैं मोबाइल के स्क्रीन ही बनाता हूं। स्क्रीन बना के किसको बेचता हूं? मोबाइल कंपनियों को बेचता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी करना स्टार्ट कर रहा हूं। यानी कि पहले मैं एक कंपोनेंट बना रहा था जो कि रॉ मटेरियल था, अब मैं उसका फाइनल पार्ट बना के या फाइनल प्रोडक्ट बना के
इस रॉ मटेरियल को मैं खुद ही यूज करने वाला हूं। तो ये हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि मैंने जो अपना करंट प्रोडक्ट था उससे आगे वाली लाइन का एक प्रोडक्ट या एक बिजनेस चालू कर लिया। इससे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो समझ लीजिए, एक दवाई बनाने वाली कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, नोवार्टिस, जो भी है डॉक्टर दवाई बनाने वाली कंपनी है। अभी दवाई बनाने के बाद क्या करना होता है, उसको बेचना होता है, उसको एक्सपोर्ट करना होता है हजारों किलोमीटर। अब हो सकता है कि एक दवा यूएस में बनी होगी लेकिन उसको बेचना है इंडिया में, वो कैसे बेचेगा, वो कोरियर करेगा, ट्रक से भेजेगा, प्लेन से भेजेगा, ट्रेन से भेजेगा, सी से भेजेगा, जहां पर जाना है जिस मीडियम से बेस्ट जाएगा उससे भेजेगा। अभी इट इज अ वेरी बिग कॉस्ट, मैं वेंडर अपॉइंट करूं, लॉजिस्टिक कंपनी अपॉइंट करूं, उनको बेचूं, उनको पैसे दूं, वो फिर बेच सब जगह दे के आए मेरा प्रोडक्ट, इससे अच्छा मैं खुद ही अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेटअप कर लेता हूं। मैं खुद ही एक ट्रक हायर कर लेता हूं, एक ट्रेन के बोगीज हायर कर लेता हूं, प्लेन चार्टर कर लेता हूं, एक शिप का कंटेनर खरीद लेता हूं, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट्स और इजीली बेच सकूं या भेज सकूं जहां जहां मुझे उसे सप्लाई करना है, एक्सपोर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है, अ लार्ज सुपरमार्केट चेन कंसिडर्स टू परचेज अ नंबर ऑफ फार्म्स दैट वुड प्रोवाइड इट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। जैसे कि अभी आप देखोगे रिलायंस फ्रेश है, एक सुपरमार्केट हो गया, या फिर पता नहीं इंडिया में और कौन से चेन्स, स्पेंसर्स है, स्पेंसर सुपरमार्केट हो गया, वो क्या करेगा, वो फ्रेश वेजिटेबल्स बेच रहा है आपको। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बाइंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, वो अपना फार्म लैंड ही खुद ही खरीद लेगा, वहां से जो प्रोड्यूस आता है फ्रेश लाके अपनी दुकान में बेच देगा। ये आप देखते हो काफी होता है, जो चिप्स बनाती है कंपनी जैसे लेज, लेज क्या करती है, जो पोटैटो मैन्युफैक्चरिंग है वो फार्म्स को रेंट कर लेती है, फार्मर्स को बोलती है कि तुम जितना भी फार्म पोटैटो बनाओगे सब तुम मुझे ही बेचोगे। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट 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 पीपल थोड़ा 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 लेने की बजाय मैंने अपना खुद का फार्म ही खरीद लिया और मैंने उससे ही अपने पोटैटोज लेके मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जांपल, और कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर मैं चूज टू मर्ज विद अ कॉफी कैफे, यानी कि अभी कैफे कॉफी डे है, अगर मैं बोलूंगा आपको सीसीडी जिसे फेमसली बोलते हैं, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, उसका होल्डिंग कंपनी जो है उसका नाम है अमालगमेटेड बीन्स कंपनी, ऐसा कुछ नाम है उसका। एक्चुअली सीसीडी कॉफी बीन्स प्रोड्यूस करता है, अभी वो कॉफी बीन्स प्रोड्यूस कर रहा था, उसने साथ में अपना आउटलेट भी खोल लिया सीसीडी। अब वो सीसीडी इतना फेमस हो गया कि दैट हैज बिकम इट्स मेजर बिजनेस नाउ, पूरे आउटलेट जो खोल के रखे, बट इट इज प्रोड्यूसिंग कॉफी ऑल्सो एंड इट इज सेलिंग द सेम कॉफी इन द ओवर द काउंटर ऑल्सो टू पीपल हु वॉन्ट टू ड्रिंक देयर कॉफी। This is the best example of forward integration. Horizontal integration, मैं acquire करूंगा एक business को, acquisition of one or more similar businesses operating in the same stage. तो basically कोई complementary products हो गए, या फिर अभी जैसे example दूंगा मैं Horlicks की जो company है, अगर अभी recently, very recently HUL ने Horlicks को acquire किया, Horlicks पहले GS के नाम की एक company है वो बनाती थी, अब HUL को उसने बेच दिया। So basically what they have tried to do, they have tried to expand their portfolio. I think HUL को already कोई energy drink या कुछ ऐसा Horlicks type का drink आता है, I'm not able to recollect कौन सा है, लेकिन अब suppose example लेता हूँ Bonvita है, Cadbury Bonvita, वो अगर Horlicks को acquire करता तो it is on a similar line, that would have been horizontal integrated diversification, की मैं अपने लाइन का ही प्रोडक्ट एक और खरीद रहा हूं। क्यों खरीद रहा हूं, इससे मुझे काफी सारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो मुझे एक नया आइटम मिल जाएगा, नया प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसकी अलग से अपनी मार्केट है, मार्केट है, प्लस मेरे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, बॉर्नविटा एंड हॉर्लिक्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, जो मार्केटिंग बॉर्नविटा के करते हैं वही लोग मार्केटिंग हॉर्लिक्स की भी कर देंगे, जो ब्रांड मेरा बॉर्नविटा में बना हुआ है वो हॉर्लिक्स में भी बना हुआ रहेगा, जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में बॉर्नविटा के साथ साथ में हॉर्लिक्स भी बना लूंगा, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो मेरा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है, अभी तक मैं फोकस सिर्फ बॉर्नविटा से कर रहा था, अभी वही चीज सिंपल हॉर्लिक्स पे भी लगा दूंगा, यानी कि सेम सेटअप के साथ आई एम एबल टू डू मच मोर देन व्हाट आई वाज डूइंग प्रीवियसली। दैट इज व्हाई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन कैन ऑलवेज बी अ वेरी गुड ऑप्शन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन नीचे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो पढ़ते हैं। व्हाइल इन वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन द न्यू प्रोडक्ट फॉल्स विद इन द फर्म्स करंट प्रोसेस प्रोडक्शन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में देर इज अ डिपार्चर फ्रॉम वर्टिकल लिंकेज, द न्यू प्रोडक्ट इज ओनली कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर एट वन और फोर पॉइंट। सो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, जो प्रोडक्ट मैं नया डाइवर्सिफाई कर रहा हूं दैट मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू माई बिजनेस विच इज करेंटली गोइंग ऑन, कुछ हट के प्रोडक्ट में
एक्वायर कर सकता हूँ या कुछ हटके प्रोडक्ट बनाना चालू कर सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जनरली पूछेगा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉन्सेंट्रिक क्या था, कॉन्ग्लोमरेट क्या था, हॉरिजॉन्टल क्या था, वर्टिकल क्या था। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कॉन्ग्लोमरेट कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट आ जाइए कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन तो एकदम ही कोई लिंक ही नहीं है। अभी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो, द न्यू प्रोडक्ट इज ओनली कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर एट वन और मोर पॉइंट्स इन द फॉर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट चेन। कुछ कनेक्शन है दोनों के बीच में, थोड़ा सा है लेकिन कुछ तो है। कॉन्ग्लोमरेट में तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, अ सीमेंट मैन्युफैक्चरर डाइवर्सिफाइज इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड रबर प्रोडक्ट्स। तो दैट इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। सेम अगेन मैं एग्जाम्पल लूंगा रिलायंस का। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स और रिलायंस जियो में तो कोई आसपास का भी लिंकेज नहीं है। एक माइनिंग करके आपका तेल के कुएं में से तेल निकाल के रिफाइन करता है, दूसरा आपके फोनों को चलाता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन। दैट इज व्हाट इज योर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है? मर्जर सिंपली इज दो कंपनी है, दोनों कंपनी बोलती है हम मिलके एक बन जाते हैं, दैट इज मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है? एक कंपनी है वो दूसरे कंपनी को खरीद लेती है। दे माइट मर्ज, दे माइट नॉट मर्ज, दे स्टिल कैन बी सेपरेट, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। अभी मर्जर एंड एक्विजिशन से मैं कैसे एक्सपैंड करूंगा? इट इज एक्चुअली द इजिएस्ट टाइप ऑफ एक्सपेंशन। बस मुझे बड़ा होना है तो मैंने और किसी कंपनी को खरीद के मर्ज कर लिया, या फिर और किसी कंपनी को खरीद लिया और मैंने एक्वायर करके अपनी अपनी कंपनी को बड़ा बना लिया। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मर्जर्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मर्जर्स। ये सेम जो अपन ने डाइवर्सिफिकेशन में पढ़ा ऑलमोस्ट वही है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट लाइन्स है उसी प्रोडक्ट लाइन में मैं कुछ एक्वायर कर रहा हूँ या कुछ मर्जर कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल दे रहा था बॉर्नविटा होल्डिंग्स, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, मैं दोनों को मिलके एक बना ले रहा हूँ। नीचे एग्जांपल दिया है फॉर्मेशन ऑफ ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया थ्रू मर्जर ऑफ लिप्टन इंडिया एंड ब्रुक बॉन्ड। तो दोनों चाय बनाने वाली कंपनीज है, दोनों ने क्या किया, दोनों साथ में आके मर्ज हो गए, सो दैट दे हैव अ बिगर मार्केट शेयर, बड़ा हो गया उनका। ऑल ऑफ अ सडन दे आर बिग। अभी जैसे आइडिया एंड वोडाफोन है, दे हैव मर्ज टूगेदर। आइडिया वोडाफोन मर्ज होते हैं, दे हैव बिकम वेरी बिग, उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत बढ़ गया है। नाउ दे कैन टेक ऑन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम जियो एंड एयरटेल वेरी इजिली। दैट इज वॉट इज योर हॉरिजॉन्टल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में जो ऊपर अपने पढ़ा था फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बस वही मर्जर में भी होता है कि अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं, मैं क्या करूंगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरर था, कोई कंपनी मेरे लिए स्क्रीन बना रही थी, उसको मैंने मर्ज कर लिया अपने में। अब मैं स्क्रीन भी मैं ही बनाता हूँ, मोबाइल भी मैं ही बनाता हूँ, बस मर्जर से हम दोनों एक हो गए, पहले अलग अलग थे। दैट इज योर वर्टिकल मर्जर। को जेनरिक मर्जर क्या है? आर एसोसिएटेड इन सम वे और द अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन इन द वाइड गुड्स कैटेगरी सच एज रेफ्रिजरेटर्स can diversify by merging with another organization having business in kitchen appliances. yani ki main abhi tak fridge bana raha tha, ab main kya kar raha hu, ab jo koi oven bana raha hai ya fir koi gas bana raha hai, jo gas burners hote hain wo bana raha hai, main usse merge ho ja raha hu. isme hua kya, some or the other way mein I am associated. mera product aur uska product ek hi jagah lagta hai, almost similar cheezon ke liye use hota hai. wo food banane ke liye use hota hai, ye food store karne ke liye use hota hai. this is co-generic merger. काफी सिंपल है ये। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स में कोई लिंक नहीं, जैसे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन था वैसे मर्जर कोई लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट मैंने मर्ज कर लिया। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ टेक्नोलॉजी या थोड़ा बहुत मार्केट जो था सिमिलर था, इसलिए मैंने ऐसा मर्जर किया है। इट माइट नॉट बी कि 101% पूरा ही डिफरेंस है, देयर माइट बी अ लिटिल लिटिल वेरी लिटिल स्कोप फॉर सिमिलैरिटीज। एग्जाम्पल्स टू स्ट्रेटेजिक अलायंस, बहुत अच्छा है दोस्तों ये टॉपिक, एग्जाम्पल टू स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज नथिंग बट मोर और लेस आपके जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं। अभी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं स्ट्रेटेजिक अलायंस का, आजकल तो न्यूज में भी है, जेट एयरवेज और एतिहाद एयरवेज, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? एतिहाद वाले ने बोला कि भाई मुझे इंडिया में अपने ऑपरेशन चलाने हैं, जो इंडिया टू कहीं जाना है, अगर इंडिया टू अबू धाबी, इंडिया टू और कहीं भी जाना है तो मुझे अपने एयरलाइंस फ्लाई करने हैं। लेकिन इंडिया में अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इन्वेस्टमेंट है, पूरा अपना सेटअप करो, 1000 लोगों को नौकरी पे रखो, 5-10 ऑफिसेस बनाओ, रोज का रोज अपना कंप्लायंसेस करो, ये सब हेडेक नहीं चाहिए। उसने क्या किया, उसने जेट एयरवेज के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया कि भाई अपन पार्टनर बन जाते हैं, जेट एयरवेज तू पूरा मैनेज कर, मैं तेरा पार्टनर हूं, मैं तेरे को पैसे देता हूं,
मैं अपनी एयरलाइंस भी थोड़ी थोड़ी दूंगा, जैसे अगर आप अभी हैदराबाद से या बॉम्बे से या कहीं से भी अबू धाबी का टिकट बनवाते हो इन एतिहाद एयरलाइंस, यू माइट एंड अप ऑन अ जेट एयरवेज एयरलाइन, कि टिकट आपने एतिहाद की खरीदी है बट दोनों में पार्टनरशिप है, तो जेट एयरवेज वाला आपको वहां पर लेके जाएगा, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने जेट एयरवेज की टिकट बुक की है लेकिन इस लेग पे एतिहाद वाला आपको एतिहाद की फ्लाइट में बिठा के लेके जाएगा। सो देर इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। इससे हुआ क्या, दोनों का जो है एक तो स्ट्रेंथ बढ़ गया, उसके बाद एतिहाद को हेडेक नहीं हुआ ज्यादा कि भाई मुझे इतने कंप्लायंसेस, इतने रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स ये सब मीट नहीं करने। जेट एयरवेज को फायदा हो गया कि इतनी बड़ी एयरलाइंस का उसको बैकअप मिल गया, तो उसकी भी बिजनेस में इजाफा हुआ, उसको भी ज्यादा बिजनेस मिलने लगा एतिहाद के नाम पर, एंड प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली। अगर आप जिसको आप देखते हैं, एक और स्ट्रेटेजिक एयरलाइंस है टाटा और एयर एशिया के बीच में, जो जो टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में, सॉरी टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस जो है विस्तारा मिलकर चलाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। एडवांटेज क्या होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस का, इट हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स। अभी हो सकता है एतिहाद जो एयरलाइन है, इतनी बड़ी एयरलाइन है, वर्ल्ड वाइड एयरलाइन है, उसके पास कुछ स्किल्स, उसके पास टेक्नोलॉजी, उसके पास ऐसे आइडियाज है जो जेट के पास नहीं थी, अब जेट सीख सकता है। इट इज इकोनॉमिकल, रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट। अगर एतिहाद और जेट अलग अलग होते तो दोनों को ही अपने अपने एम्प्लॉयज अलग रखने पड़ते, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग करो, ऑफिसेस अलग करो, इससे अच्छा तो एक साथ हो गया। स्ट्रेटेजिक, दो कॉम्पिटिटर्स ने हाथ मिला लिया, अभी दूसरों को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, नहीं तो खुद से लड़ते रहते थे। सो इट इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। पोलिटिकल, कभी कभी क्या होता है कंट्री में, इट इज डिफिकल्ट, यू नो, एक एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेल पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, बाहर से दूसरे को इन्वेस्ट करना है आपकी कंट्री में लेकिन उतना इजी नहीं है नया ऑफिस सेटअप करना, तो वो उस जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्टिंग है इंडिया के अंदर या कोई भी कंट्री के अंदर, उसके साथ जाकर एक अलायंस कर लेगा। डिसएडवांटेज क्या होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस का, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको शेयरिंग करना पड़ता है। क्या शेयरिंग करना पड़ता है, एक तो पैसे, प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ता है, ऊपर से स्किल्स शेयरिंग करना पड़ता है। हो सकता है कई कई बार, अभी जैसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं, हीरो होंडा, आपको पता है हीरो होंडा चलता था, मोटर बाइक्स बहुत सारे चलते थे, वो लोग अब अलग अलग हो गए, हीरो अलग है होंडा अलग है। होंडा इज अ जापानीज कंपनी, हीरो इज एन इंडियन कंपनी, पहले दोनों स्ट्रेटेजिक अलायंस में थे, होंडा वाला टेक्नोलॉजी देता था हीरो को, हीरो वाला अपने बाइक्स बनाता था या इंडिया में मार्केटिंग करता था एंड बेचता था। अब क्या हुआ, हीरो वाले के पास तो टेक्नोलॉजी आ गई, अलायंस टूट गया। अब होंडा इज इट इज स्टिल गुड बट इट कैन नॉट कम्पीट विथ हीरो, क्योंकि हीरो का एक इंडियन ब्रांड इमेज बन गया, उसके पास ऑलरेडी होंडा की टेक्नोलॉजी है, सो देर इज नथिंग डिफरेंट दैट होंडा कैन डू टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। प्लस हीरो के पास कॉस्ट एडवांटेज है कि वो सस्ती बाइक्स निकाल सकता है, वेरी सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको अपनी मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी बोलते हैं अपन उसको, हालांकि वो अलायंस अभी भी चल रहा है, बट जो भी आप गाड़ी देखते हो टेक्नोलॉजी सब सुजुकी की होती है, सब इंजन सुजुकी के होते हैं, सब R&D सुजुकी का होता है, मारुति तो बस ब्रांड नेम है जो इंडिया में बेचा जाता है, बिकॉज इट इज नाउ गॉट अ ब्रांड वैल्यू। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस का डिसएडवांटेज कि सुजुकी हालांकि टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा, लेकिन फिर भी उसको मारुति को प्रॉफिट शेयरिंग देना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ स्ट्रेटेजिक अलायंस वर्क्स, वो एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर हम आते हैं, तीसरी स्ट्रैटेजी जो है वो है रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, रिट्रेंचमेंट मतलब आपका बिजनेस चल रहा था अभी तक लेकिन अब आपको उसको बंद करना पड़ेगा, या फिर उसको आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्प्रेड था जितना उसको अब कम करना पड़ेगा, धीरे 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 आपको आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डाइवेस्ट बेसिकली, आपको थोड़े बिजनेसेस थोड़े एरियाज में से निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू सेल ऑफ और क्लोज योर बिजनेस। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ये होती है कि मेरी कंपनी कंटिन्यूअसली नॉट परफॉर्मिंग वेल, या फिर जो एनवायरमेंट में काम कर रहा था दैट इज चेंजिंग ड्रास्टिकली, आई नीड टू डू समथिंग जिसकी वजह से मेरा टर्न अराउंड हो जाएगा। जैसे नोकिया बेस्ट एग्जाम्पल है कि आई हैव नॉट अडेप्टेड टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज नाउ बिकमिंग फेमस, मैंने बोला मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के साथ जाऊंगा, बट वो धीरे 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 बंद होते गई, अब उसको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाना पड़ा कि चलो क्योंकि आई एम फेसिंग लॉसेस, आई एम नॉट हैविंग एनी मार्केट शेयर, अब मुझे कुछ स्ट्रेटेजी लगा के टर्न अराउंड करना पड़ेगा। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का क्या कंडीशंस है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज, अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिटेरियोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, ओवर स्टाफिंग, मिसमैनेजमेंट। तो जैसे मैंने नोकिया का एग्जाम्पल लिया, परफेक्ट फिट होता है ये छह सातों कैटेगरीज आपको नोकिया के एग्जाम्पल में मिल जाएगी।
एक्शन प्लान क्या है टर्न अराउंड का, व्हाट आर द स्टेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। स्टेज वन, असेस करो करंट प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या लोग मेरे प्रॉब्लम है, क्या मेरा टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, क्या मार्केट प्रॉब्लम है, क्या एफिशिएंसी प्रॉब्लम है, क्या टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, उसके बाद एनालाइज करो सिचुएशन को कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मुझे टर्न अराउंड में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, आई हैव टू असेस। उसके बाद आप इंप्लीमेंट करोगे जो एक्शन प्लान है आपका ऑन एन इमीडिएट बेसिस। व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग अ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, यू कैन नॉट से कि हाँ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में 5 साल में इंप्लीमेंट करूंगा, 10 साल में इंप्लीमेंट करूंगा। इमीडिएटली लोगों को निकालना है, लोगों को निकालो, पैसे इन्फ्यूज करना है, पैसे इन्फ्यूज करो, टेक्नोलॉजी पूरा चेंज करना है, टेक्नोलॉजी चेंज करो, ब्रांड चेंज करना है, ब्रांड चेंज करो, पार्टनर्स चेंज करना है, पार्टनर्स चेंज करो, सब इमीडिएटली होना चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, एक बार आपका इमरजेंसी प्लान आ गया आपके हाथ में, थोड़ा थोड़ा चलने लगा, आप अपना बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करोगे। कैसे रीस्ट्रक्चर करोगे, धीरे धीरे अब उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाओगे, आप धीरे धीरे जो आगे के प्रोडक्ट्स हैं उनका R&D उनका दिमाग लगाओगे, जो आपके एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं आप एनालाइज करके कोशिश करोगे कि लायबिलिटीज कम की जाए, एसेट्स बढ़ाए जाए, जो फंक्शनल पैरामीटर्स हैं आपके, जो एफिशिएंसीज है, जो स्टाफिंग है उसको आप चेंज करोगे, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको आप चेंज करोगे, यू विल स्टार्ट रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। बेसिकली जो प्रोडक्ट मिक्स है और पीपल मिक्स है आप दोनों को चेंज करने लगोगे, सो दैट यू कैन स्टे रिलेवेंट इन द मार्केट एंड यू कैन बी कॉम्पिटिटिव। स्टेज 5 है रिटर्निंग टू नॉर्मल। वंस योर स्टेज 4 इज इन प्रोग्रेस और इज नियरिंग कंप्लीशन, आप नॉर्मलसी में रिटर्न करना कोशिश करोगे। कैसे, by adding some value to the economy, by creating alliances, customer service, कुछ अच्छा product और बना के increase करो अपना market share, आप normal return करोगे to the cycle जो है, आप वापस growth and maturity पर आओगे। So these are the 5 steps for a turnaround strategy. Important elements of turnaround strategy: change management, credibility building, neutralizing external pressures, quick payoff activities, cost reduction, revenue generation, asset liquidation. ठीक है, वेरी सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, आपको खाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से भी लिख सकते हो ये एग्जाम के अंदर। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस। बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं एयर इंडिया का, गवर्नमेंट हाथ पांव जोड़ के थक गई है, उसको एयर इंडिया में डाइवेस्ट करना है, उसको पैसे, उसको अपना यूनिट एयर इंडिया पूरा ही बेच देना है। अभी एयर इंडिया नहीं बिक रहा तो एयर इंडिया में भी एयर इंडिया महाराजा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर अलग अलग है, उनको बेचने की कोशिश करिए कि भाई कुछ तो खरीदो, डाइवेस्ट करती हूँ, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ले लो, हमको थोड़ा पैसा मिलेगा एंड वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट, आप प्लीज इसको मैनेजमेंट कर लो, दैट इज योर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्राइवेट प्लेयर्स भी करते हैं, लेकिन आजकल क्या है, गवर्नमेंट कंपनी ज्यादा डाइवेस्टमेंट करती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हजारों साल से तो ज्यादा हो गया, 100 साल से 150 साल से सब गवर्नमेंट ही चला रही है। आप जितने भी कोल कंपनीज देखोगे, आयरन स्टील कंपनीज देखोगे, एयरलाइंस की पहले कंपनीज देखोगे, रेलवेज अभी भी है, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अभी गवर्नमेंट इतना मैनेज नहीं कर सकता, दे कैन नॉट कम्पीट विद प्राइवेट पीपल, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डाइवेस्टिंग कि भाई हम अपना शेयर बेच रहे हैं इसमें, थोड़ी जगह 20% शेयर, थोड़ी जगह 40% शेयर, थोड़ी जगह तो कंट्रोलिंग स्टेक ही बेच दे रहे हैं टू प्राइवेट प्लेयर्स, सो दैट फर्स्टली गवर्नमेंट विल गेट सम मनी एंड उसका कुछ भला होगा, एटलीस्ट वो प्रॉफिट तो बनाएगी या एटलीस्ट कुछ कंपटीशन तो करेगी, नहीं तो अभी तो सड़ रहे हैं खाली, सबको पता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसे होती है। डाइवेस्टमेंट बिजनेस में भी अडॉप्टेड बिकॉज कभी कभी क्या होता है, एक बिजनेस मैंने एक्वायर किया है, एक्वायर तो कर लिया, अब मेरे को लग रहा है कि यार ये बिजनेस तो चलने वाला नहीं है, गलती कर दी मैंने एक्वायर करके, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार फिर से बेच देते हैं। ठीक है, अभी हो गया, हो सकता है मेरे पास 5-6 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, आई हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, उसमें से एक पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहा है, वो प्रोडक्ट उतना अच्छा चल नहीं रहा, आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट दैट वेल, तो मैं उसको बेचने का, डाइवेस्ट करने का कोशिश करूंगा। कई कई जगह क्या होता है, आपका प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड टू मेक दैट चेंज इन टेक्नोलॉजी आपको बहुत पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, आप बोल रहे हो इतना पैसा खर्चा करूंगा इससे अच्छा तो बेच ही देता हूं। देयर माइट बी डिफरेंट रीजंस फॉर व्हाई यू हैव टू डाइवेस्ट एंड व्हाई यू हैव टू अडॉप्ट अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। फोर्थ स्ट्रेटजी है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, मोस्ट अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटजी, मोस्ट अनवांटेड स्ट्रेटजी है ये रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी के अंदर लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। इसका एक ही मतलब है, कंपनी के एसेट्स बेचो, कंपनी को बंद कर दो, एंड दिस इज अ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इसके बाद आपकी कंपनी बंद हो जाती है एंड जो एम्प्लॉयज है उनको भगा देना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिट्रेसमेंट एंड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के,
involves retrenchment of some of the activities in a given business, viewed as an integral part of corporate strategy. Compulsions for divestment क्या है, obsolescence of product, business becoming unprofitable, inability to cope up with competition, industry over capacity, failure of existing strategy. तो basically कुछ negative trends है, कुछ negative reasons है जिसकी वजह से आप बोल रहे हो यार ये सरदर्द है, इसको छोड़ो, इससे बाहर निकलो, तो अपनी बाकी जो business है उस पर focus करो, वहाँ पे तो at least profit कमाओ. So that is your characteristics of your turnaround or retrenchment strategy. Major reasons क्या होता है retrenchment strategy के, जो मैंने आपको बताया. मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस टू रिमेन इन बिजनेस इधर पार्टली और होली. इन एयर इंडिया के मामले में सेम चीज हो रहा है. मैनेजमेंट फील्स दैट बिजनेस कुड बी मेड वायबल बाय डाइवेस्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज. हो सकता है कि मैं अगर छोटा सा जो खराब पोर्शन है उसको काट के बाहर निकाल दूं तो बाकी का जो शरीर है वो बच जाएगा, इसलिए मैं डाइवेस्टमेंट करूंगा. अब बिजनेस दैट हैज बीन अक्वायर्ड प्रूव्स टू बी अ मिसमैच. मैंने खरीद तो लिया लेकिन अब लग रहा है कि भाई मजा नहीं आ रहा, बिजनेस तो गलती कर दी इसलिए बेच देना. Persistent negative cash flow, severity competition, technological upgrade, ये मैंने आपको समझा दिया. Combination strategy क्या है? अभी ये ऊपर जितनी भी strategies पढ़ी हमने, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब standalone लगाओ. You can combine two or more strategies. एक जगह expand कर रहे हो, एक जगह retrench कर रहे हो, एक जगह diversify कर रहे हो, आप तीनों चारों चीजें मिलाकर भी कर सकते हो. There is no hard and fast rule कि आपको एक ही strategy at a time लगाना है. हो सकता है या बिजनेस एज बिग एज आईटीसी, हो सकता है एक पोर्टफोलियो अपना डाइवेस्ट कर रहा है या रिट्रेंच कर रहा है एंड दूसरा जगह से एक्सपैंड कर रहा है, कुछ एक्वायर कर रहा है या मर्जर कर रहा है और बड़ा एक्सपैंड बना रहा है. कब होता है ये मेजर रीजंस? ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड फेसेस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस एंड हैज टू नेचुरली एक्सपैंड और रिट्रेंच और डाइवर्सिफाई और डाइवेस्ट सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन. तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 4 आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के रिलेटेड. उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो लाइक दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए. 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, 7 चैप्टर का टोटल आपका सिलेबस है न्यू सिलेबस का. दैट मींस वी आर ऑलमोस्ट 40% कंप्लीट अभी. बहुत अच्छी बात है इतनी जल्दी 40% हो गया. नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, आपकी बेटर थॉट प्रोसेस हुई होगी. स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, कॉमन सेंस है खाली. आप ये एक और बार पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. कुछ नहीं, अगर कुछ एग्जांपल्स चाहिए आपको सिंपली गूगल कीजिए, आपको सब एग्जांपल्स भी रेडीमेड मिल जाएंगे. तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा ये जो चैप्टर है फटाफट रीड कर लीजिए. इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ 17-18 पेजेस का टेक्स्ट है इसमें. क्विकली गो थ्रू इट एंड इट विल बी डन फॉर यू फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर पर बहुत ही जल्दी लेकर हाजिर होऊंगा.